Relationship. La 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 la. डिस्को पे थिरकने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रैक जरूर चाहिए होता है, लेकिन अगर उस ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ट्रैक ऐसे हैं जो अपने आप में हिट हो जाते हैं। एक नागिन मेरे ख्याल से मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा, हिट ट्रैक है अपने आप में, और उसी के सिंगर करण सिंह अरोड़ा मेरे साथ है। करण, पहले तो वेलकम हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैंने आपके सॉन्ग में देखी दो चीज़ें हैं, नहीं मैं अगर बात करूँ, आप रैप भी कर रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं, तो कुछ अलग है ये। एंड इस सॉन्ग में जो अभी हमारा लेटेस्ट ट्रैक रिलीज़ हुआ है, इसमें क्या है कि इसमें नया हमने ये किया है कि एक तो आउटडोर शूट है एंड इसको थोड़ा बॉलीवुड फील देने की मैंने कोशिश की है। लाइक जैसे बॉलीवुड में होता है, एक एक्टर लड़की के पीछे जा रहा है, डांस स्टेप्स है, पूरा डांस क्रू है, कोरियोग्राफी इन्वॉल्व है, तो सारी चीज़ें वो बॉलीवुड को ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश की है। जो आपका लेटेस्ट ट्रैक चल रहा है रिलेशनशिप शिट, मतलब क्या मतलब कुछ आपको मिला नहीं, मतलब आपने क्यों रखा है नाम? मैं तो बड़ी नाइंसाफी है भाई, रिलेशनशिप इतने अच्छे होते हैं, आपने उसको शिट बोल दिया। नहीं नहीं, हमने ये तो यही तो लोगों को गलतफहमी हो रही है कि रिलेशनशिप बोल दिया है। तो जब टाइटल निकला था हमारा, तो मैंने सोचा था कि ये टाइटल अच्छा है, जो मेरा लिरिक्स राइटर गोल्ड ने सोचा था कि रिलेशनशिप, मैंने बोला टाइटल कैची है, बट लोगों को लगेगा कि क्यूरियोसिटी आ जाएगी लोगों के अंदर कि ये रिलेशनशिप क्यों बोल रहा है। जबकि मैंने एक वैलेंटाइंस में लोगों को इस गाने के थ्रू मैसेज दिया, इस गाने में क्या है कि लड़का लड़की को मना रहा है जब उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो मैं इस गाने से यही लोगों को समझा रहा हूँ कि यार अगर तुम लोगों का अच्छा भला सा रिलेशनशिप चल रहा है तो उसको ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ये सब छोटी मोटी चीज़ों के वजह से ब्रेकअप कर करके उसको रिलेशनशिप मत बनाओ, साथ में मिलजुल के रहो और अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखो। रिलेशनशिप को कि तू कर रही है बेबी रिलेशनशिप ला 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 ला। रिलेशनशिप को अच्छा रखो, इसने गाने में बताया, लेकिन मैं एक बात करूंगी, लोकेशन बहुत खूबसूरत है और साथ में जो आपकी हीरोइन है वो भी बहुत खूबसूरत है, मार्टिना। तो आपने क्या सोचा कि लोकेशन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि हीरोइन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि दोनों अच्छी होनी चाहिए? जो गाने का पहले तो मैंने ऑडियो बनाया था, क्योंकि एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मैं फर्स्ट ऑडियो कंपोज करता हूँ। तो जब ऑडियो कंपोज हुआ तो मैंने ऑडियो में बहुत यूरोपियन फील लिया था, लाइक जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो थोड़े यूरोपियन फील वाले हैं, मुझे लोकेशन भी यूरोप टाइप की चाहिए थी। एंड इंडिया में मैंने सोचा कि जब इंडिया में हमारे पास लवासा जैसे ब्यूटीफुल लोकेशन है, फिर हमने लवासा वालों के साथ बात किया कि हमें यहाँ पे शूट करना है, एंड देन फिर हमने लवासा में शूट किया एंड सिडनी का एक बीच में छोटा सा सीक्वेंस है। आफ्टर मैरिज अगर लड़की मान नहीं रही है शादी के लिए, तो उनको जाके बोलो कि आफ्टर मैरिज तुझे खुश रखना, डेनाइट रखना, पेट फुल रखना ही मेरी ड्यूटी होगी। मैंने एस्ट्रोलॉजर से कल पूछा है, वो कहता है पहले दो लड़कियाँ फिर छोटी सी क्यूटी होगी। क्या बात है, मतलब इन्होंने गाने में फैमिली प्लानिंग भी कर ली, और कहीं ना कहीं अगर गाना सुनना है देखना है तो कहीं ना कहीं क्लिक कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या उस गाने में कुछ मैच होता है, कि एस्ट्रोलॉजी है, कि कोई टिप है, या कि शादी के बाद वो कह रहे हैं कि तेरा पेट फुल रखूंगा और तुझे शॉपिंग कराऊंगा, ये सब उसमें मिलने वाला है। कैमरा जयवीर के साथ जसप्रीत, जी सलाम, नोएडा।